अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद मसीह, मैं याकूबपुरा सादत नगर से हूँ। मेरे घर में मेरे नानी की तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि दाढ़ में दर्द था, तो हम लोग हॉस्पिटल से लेने का से लेके निकले। रेसावार गए, असरा गए और एक दो हॉस्पिटल्स गए, तो हम लोगों को कोई भी एडमिट नहीं कर रहा था, तो मजबूरन तौर हम उस्मानिया हॉस्पिटल लेके गए। लेके जाने के बाद वहाँ पर एडमिट कर लिए, ट्रीटमेंट करते बोले, ओके बोले, ठीक है। रात में 12:30 बजे मालूम हुआ कि उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद जब रिपोर्ट की बारी आई, रिपोर्ट चेक करते, ये टेस्टा करते, ये सब करते, दांत के दर्द के बोल के बोले इंतकाल हो गया। बहरहाल उनको जो करना था, हम बोले कि डेड बॉडी दे दो, मगर वहाँ पर डेड बॉडी दिए नहीं, वो लोग बोले कि हम लोग, हमारे को कुछ टेस्ट करना है, तो ठीक है बोल के बोले। फिर उसके बाद पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव निकला बोल के बोले। बोलने के बाद ऐसा होता है, ठीक है आपके घर पे भी आके चेक करते हम लोग, हाँ कि किसको किसको पॉजिटिव निकला, तो वो सब चेक करते कर लिए ऑलरेडी। ये लोग भी रेडी थे जाके देखने के लिए, फिर भी ये लोग यानी बॉडी दे रो बोलने के बाद भी नहीं दिए। फिर उसकी उसके बाद ये लोग खुद गए, पुलिस स्टेशन गए, हर तरफ गए। 3 से 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए। फिलहाल 22-18 तारीख को कुछ लेके गए थे हॉस्पिटल को, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं, देता ना बॉडी दे रहे ना कुछ दे रहे। बोला गया इन लोगों के कोरोना पॉजिटिव की जो रिपोर्ट निकली वो दूसरे पेशेंट की थी, दूसरे पेशेंट की है बोल के बोले, और नाम दोनों के सेम है बोल के बोले। नाम दोनों के सेम होने की सूरत में इन लोगों को भी यानी परेशान हो गए इन लोगों की, ये कैसा हो सकता। अब बोले कि उसके अंदर गैस गलत है, हर चीज गलत है। फिर उसके बाद भी इन लोगों की रुके हुए हैं बॉडी देने की तैयार है, बॉडी देते बोल के बोले आओ पीछे के रास्ते से लेके जाओ, ज्यादा शोर शराबा नहीं करना, पीछे के रास्ते से देते आपको बॉडी, आप बॉडी ले लेके चले जाओ। इसमें पीछे से लेके जाने का क्या मतलब है भाई, आप बोलेंगे कोरोना नहीं है, फिर पीछे से क्यों लेके जाना, सामने से ले लेके चले जाते। फिर बोले कि नहीं इम्पूज है कोरोना, फिर वो रिपोर्ट का इंतजार करे, वो रिपोर्ट भी नहीं आई। लास्ट में आज आई सुबह में 12:30 के टाइम, वो हिसाब से भी इन लोग कुछ कर रहे नहीं, ना किसी का वहां पर अमल दखल है, हर कोई केयरलेस काम कर रहा। रिपोर्ट आप पूछ रहे तो पीआरओ बने हैं रिपोर्ट, उनकी साइन लेना पड़ता, इनकी साइन लेना पड़ता, हर तरफ सर ये ड्रामा चल रहा उस्मानिया हॉस्पिटल में। हमारी अपील है अमजदुल्ला खान साहब से कि केसीआर साहब, केटीआर साहब से मुतालबा करते हैं कि जल्द से जल्द बॉडी जो है इनके घर वालों की इनको मिल गई तो बहुत बेहतर है। तस्कीम हो गई तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तस्कीम हो गई तो बस आप लोगों से ही हमारी अपील है, आप लोगों से बहुत उम्मीद है। शुक्रिया आप लोगों का।